हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2019। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट के पदों के लिए, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए। तो इसका फुल नोटिफिकेशन मैंने पहले भी वीडियो से आपको बता दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर वीडियो भी इसका है, वहां से भी आप इसकी अपडेट ले सकते हैं सारी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म को भरने का तरीका बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो इस वीडियो को देख लें, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें वीडियो पर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे, देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो पहली पोस्ट है, इस पर हम रीड पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र सीमा है, सब चीज़ें यहाँ से चेक कर पाएंगे। क्योंकि हमें आवेदन करना है तो अप्लाई यहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे जहाँ से आवेदन करना है उस वेबसाइट पर। तो देखिए, ये हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले साथियों क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल यहाँ पर देख रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी देखिए जो आपका है, वहाँ से आप इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन सब चीज़ें देख सकते हैं। और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर, तो अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ऑप्शन देखिए आ जाएगा यहाँ पर, कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2019 के लिए, यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं, और हमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है तो हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ पेज खुलेगा आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले आप पूछ रहा है कि क्या आपने पहले भी कभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो आपका फॉर्म जो है स्वतः फिल हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो करिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट करिएगा और फिर आई एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इतना कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाने वाला है। इसके बाद अब इसमें आपको आप सब चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना है। सब चीज़ें आप कैपिटल लेटर में फिल करिएगा, तो हम यहाँ पर अपना नाम फिल करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर नेम फिल करना है, हम फादर नेम यहाँ पर फिल करते हैं। मदर नेम आपको फिल करना है, सब चीज़ें कैपिटल लेटर में आराम से भरिएगा, सावधानी से भरिएगा। आर यू डोमेशियल ऑफ यूपी, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक। तो ये जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पूछेगा कुछ चीज़ें कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं यूपी के, तो अगर आप हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस या नो जैसा चाहें कर सकते हैं। हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, इन सब चीज़ों को आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप हैं तो। और उसके बाद स्किल कोई प्लेयर हैं आप तो यस करिएगा, अन्यथा आप सब चीज़ों को यहाँ पर नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद सबको, ठीक है, अगर आप हैं तो यस करिएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि क्या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो उसको नो रहने दीजिएगा, ठीक। फिर आप कहाँ का रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप कर देना है होम स्टेट। अब यहाँ पर आपको आपका जिला पूछेगा तो आप अपने जिले का नाम डाल दीजिएगा। आप यूपी से कहाँ के रहने वाले हैं तो वो आप जिले का नाम डाल दीजिएगा, तो हम यहाँ पर डालते हैं कानपुर नगर, ठीक। ये आपको फिल कर दिया। फिर अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी, तो हम एसटी हैं, एसटी सेलेक्ट करेंगे। आप जो कैटेगरी हो, ओबीसी, जनरल, एससी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है,
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर दी। जेंडर मेल फीमेल आप सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ पर आप मैरिड हैं या नहीं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यस या नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको देना है अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो अब हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देते हैं। चलिए हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। और यहाँ पर आपको देनी है अपनी मेल आईडी, तो हम यहाँ पर अपनी मेल आईडी भी दे देते हैं, ठीक है। चलिए मेल आईडी टाइप कर देते हैं। मेल आईडी स्मॉल लेटर में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में। इतना आपको फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आपको जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो क्वालिफिकेशन है, चूंकि इंटरमीडिएट से ये फॉर्म मांगा गया है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पर आपको भरना है। तो हाई स्कूल में आपका बोर्ड, चूंकि आप यूपी के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का ही बोर्ड होगा आपका, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ईयर पासिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा, किस साल में आपने इसको पास किया है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं हाई स्कूल का। और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर कर दीजिएगा। ग्रेड सिस्टम था या नहीं ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका नो हो तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। नो कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क और टोटल मार्क भर दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। और अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ पर आप तो यस कर दीजिएगा। तो हम यस कर देते हैं और यहाँ पर सीधे फिर आपका डायरेक्ट प्रतिशत पूछेगा, आप प्रतिशत डाल दीजिएगा, ठीक है, बस इतना करना है। इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट में अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश बोर्ड यहाँ पर भी आपका रहने वाला है। और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पर भी आप ग्रेड सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपका ग्रेड नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और जितने भी आपको प्रतिशत मिले हों वो यहाँ पर आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 80-90 जो मिले हों, 70, तो वह प्रतिशत यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। यहाँ पर साथियों आपको इंटरमीडिएट के लिए आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूपी बोर्ड से किया है तो हम यूपी बोर्ड कर सकते हैं, या कोई आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पर इंटर का भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अब सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर अभी हमने जो डाला था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर हमने जो डाला था अभी वो हम यहाँ पर फिर से डाल देने वाले हैं। और हमने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया और उसके बाद किस तारीख को इशू हुआ वो हम यहाँ पर डाल देंगे हमारा सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपका ग्रेड है तो हम यहाँ पर ग्रेड से ही भर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। कितने प्रतिशत पर रहा था, हमने 90 भरा तो हमने इसको 90 कर दिया। और फिर यहाँ पर सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, इसको आपको यस कर देना है क्योंकि ये पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर वर्ड चाहिए टाइपिंग के लिए, ट्रिपल सी आपको यस करनी है। ट्रिपल सी आपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, किस ईयर में किया, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चर कोड डालना है, तो हम यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डालेंगे। और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो लिख कर आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया और आपके पास एक मेल भी आ जाएगी साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भी देखिए आ गई है आपकी, पूरा डिटेल्स आ गई है, आप देख पा रहे हैं जो भी आपने भरा था। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखिए आपको प्राप्त हो गया है, नाम, सब चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन को जो आपने किया है, इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ से क्लिक हियर पर आप अपलोड, जो यहाँ से आगे फोटो का प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं। अगर इसको आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस पे आप क्लिक करिएगा तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप यहां से निकाल लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इस पे और क्लिक हियर टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर आगे इस पे बढ़ने वाले हैं। तो हम ओके करते हैं और यहां पर साथियों हम सेलेक्ट करेंगे अपनी फोटो और सिग्नेचर। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और हमारी जहां पर भी फोटो हैं हम उस फोटो को यहां पर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हमने फोटो सेलेक्ट कर दी,
और अपना सिग्नेचर भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए फोटो और सिग्नेचर हमारा देखिए अपना सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फाइल साइज आपकी सही होनी चाहिए, 30 KB तक फोटो, सिग्नेचर 20 KB तक। तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड करते हैं इसको, और उसको देखिए हमारा सक्सेसफुली अपलोड जैसे ही हो जाएगा फिर आगे से इसको हम करेंगे। तो अभी देखिए हमारा फोटो का साइज या सिग्नेचर का साइज सही नहीं था, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ। हम दोबारा से इसको करके देखते हैं और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिख के आ गया, फोटो इमेज एंड सिग्नेचर इमेज सक्सेसफुली अपलोड। इतना अपलोड कर दीजिए आप, जैसे ही इतना आप अपलोड कर देंगे फिर कंटिन्यू पर आगे बढ़ जाइएगा। कंटिन्यू पर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, फाइल रिमेनिंग डिटेल्स आइए यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए साथियों। और एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका फॉर्म पूरा लगभग भर ही गया है, कुछ चीज़ें भरनी है बस, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। फॉर्म को अच्छे से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। हम जूनियर असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2019 के लिए आवेदन कर रहे हैं, फोटो सिग्नेचर हमारा आ चुका है, सारी डिटेल्स आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, खूब अच्छे से देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई है, कुछ चीज़ें भी भरनी रहेंगी यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पर जो इस तरह का पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एज प्रूफ, एज प्रूफ में आप हाई स्कूल की जो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो इशूइंग अथॉरिटी है यानी कहाँ पे आपको, तो यूपी बोर्ड से आपका ये हमारा अथॉरिटी है, कब इशू भाई इस चीज़ को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा 20 और यहाँ पर 2011 को इशू हुई है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर जो आपका हो हाई स्कूल का वो यहाँ पर आपको डालना है और अपलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अपलोड करेंगे अपलोड डाटा आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, देखिए सक्सेसफुली हमारा ये अपलोड हो गया, फाइल नहीं है केवल आपको सर्टिफिकेट और सब चीज़ें नंबर अपलोड करनी, गलती हो गई तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप SC ST है OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी अपलोड कर लीजिए। आपने UP से बनवाया है या केंद्र सरकार का है जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, कब आपने बनवाया। तो ये तो करंट का ही लगता है, तो मान लीजिए हम करंट का डाल देते हैं, 20/6/2019 को हमने बनवाया, इसका आपका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा 11 अंकों का, वो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा और अपलोड सक्सेसफुली डेटा पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये ग्रीन बटन हो जाएगा, देखिए हो गया। इस तरह आपको ये डाटा केवल अपलोड करना है, यहाँ पर कोई फाइल अपलोड नहीं करनी है, तो गलती ना करिएगा। तो बहुत आसानी से ये आप अपलोड यहाँ से कर लेने वाले हैं, सब चीज़ें आप चेक करते चलिएगा, कोई गलती तो यहाँ पर नहीं होनी हुई है आपसे। इसके बाद ये देख रहे हैं ये कुछ चीज़ें हैं, क्या आप अगर यहाँ पर यस या नो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेव इन द क्या आर्मी के लिए जो मिनिमम पीरियड 2 ईयर का था उसके लिए अगर आप यहाँ पर यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमें नहीं करना है। नेशनल कोस्ट गार्ड में 20 सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अगर यस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर भरेंगे हम अपना एड्रेस, तो हम फटाफट यहाँ पर अपना एड्रेस भर देते हैं। एड्रेस सभी साथियों को अपना पता होगा, फटाफट एड्रेस भर दीजिए, कोई भी गलती यहाँ पर मत करिए एड्रेस भरने में, और कैपिटल लेटर में सारा एड्रेस यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो चलिए हम एड्रेस यहाँ पर फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सिटी हो वो सिटी भर दीजिए, राज्य आपका पहले से ही सेलेक्ट है और यहाँ पर सिटी आपको एक बार सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और आपका जो एरिया का पिन कोड हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक, डालने के बाद अगर आपका कोई मेलिंग एड्रेस अलग से है तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर सेव एज परमानेंट एड्रेस आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा, तो ये सेम एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाने वाला है। ठीक, इतना होने के बाद आई एक्सेप्ट के लिए आ रहा है, आई एक्सेप्ट कर लीजिए सारी चीज़ें। फिल होने के बाद और प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं इसका कि कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, ओके कर लेते हैं हम इसका, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो उसके पहले आपको डालना होगा इसका कैप्चर कोड, तो हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालते हैं। चलिए कैप्चर कोड डालने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक, बहुत ही अच्छा सा प्रोसेस है, बहुत आसानी से यहाँ पे आप देखिए कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे आपको 95 रुपये की फीस आपको यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फॉर्म आपका देखिए फिल हो चुका है, केवल आपको ये फीस अब जमा करनी है, और फीस जमा करने के बाद ये आपका फॉर्म यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइनली
भर जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू पे रिक्वायर फीस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस जैसे ही करेंगे तो देखिए इस तरह का आपके फॉर्म जो है वो खुल जाने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप सब चीज़ें बदल सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आप देख लीजिए और देखने के बाद ए करिए और यहाँ पर जो इसका कैप्चर कोड है वो पूरा डाल दीजिए और क्लिक हियर टू अपडेट कर दीजिए। ओके, हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कोई आपको गलती ताकि ना होने पाए तो सब चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से नहीं अपडेट है तो आप अब आपको क्या करना है, पे पर हमें जाना है, हमें आप फीस जमा करनी रहेगी, क्लिक हियर टू पे पर क्लिक डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे ही करेंगे आप देखिए पेमेंट के मोड पर जो साइड है वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फीस का दिखने लगेगा और पूरा 95 की फीस यहाँ पर आपसे मांग रहा है। पेमेंट आपको SBI स्टेट बैंक से करनी है, इस पर क्लिक करिए, प्रोसीड टू फीस डिपॉजिट ओके यहाँ पर आप कर दीजिए। तो जैसे ओके करेंगे यहाँ पर हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पर SBI की। अब अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, कोई चार्ज नहीं देना है। कोई अदर बैंक से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो अदर बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 6 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट करने का। अगर SBI के कार्ड से करेंगे कोई चार्ज नहीं, अदर कार्ड से करेंगे कोई चार्ज नहीं करना है, अदर क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको 12 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। SBI बैंक से आप चालान भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई फीस नहीं रहेगी और वहाँ से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, उसको चालान प्रिंट कर लीजिए और बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि बैंक चार्जेस कुछ नहीं है। तो आप नेट बैंकिंग से क्लिक हियर पेमेंट करिए, सबसे सेफ होता है, कार्ड से कभी कभी पेमेंट कट जाने के बाद भी कंफर्म नहीं होती है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप SBI के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करिएगा और आगे प्रोसेस को कंफर्म कर दीजिएगा। तो जो अभ्यर्थी नेट बैंकिंग चलाते होंगे उनको इस तरीकों को आता होगा और आसानी से आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। इतना पेमेंट कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर आप उसी वेबसाइट पर ऑफिशियल चैनल की वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद एक आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि सबमिट फाइनल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो जैसे अभी ये चालू नहीं हुआ है, अभी चालू हो जाएगा आज शाम तक, तो जैसे इस पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे साथियों तो आप फाइनल फॉर्म पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और अपना फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। फीस जमा करने के बाद भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पर करेक्शन भी कर पाएंगे, ऑनलाइन करेक्शन क्लिक हियर पर करके ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं, कोई भी अगर डाउट रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो आपको, तो तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।